तोड़ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है? व्हाट इट सेज इज एवरी एक्शन, दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन लॉ। It states that every action has equal and opposite reaction. Again, what it means is if I hit something hard, I will also get hurt. Like if I throw my hand on wall, the wall, if I'm going to push it hard or punch it hard, the wall is also going to apply same amount of force on me, and hence I'll get hurt more. Is that okay? If I hit it slowly, then the problem will be not that great, or I will not get hurt a lot. Is that okay? मतलब अगर मैं 5 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ वॉल पे, तो वॉल भी मेरे ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगाएगा। अगर मैं 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ तो वो भी 10 न्यूटन फोर्स लगाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इज दैट ओके? इज दैट ओके? यस सर। अब इसका एक मेजर आउटकम ये होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है? अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा है किसी भी चीज पर, तो उसका इनिशियल मोमेंटम उन चीजों का और फाइनल मोमेंटम दोनों क्या होगा? सेम रहेगा। मैं एक्सप्लेन करता हूं और डिटेल में। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होगा? The momentum will be conserved or it will not change. इसके कुछ एग्जाम्पल, एक तो उस पर बताया मैंने, दूसरा जैसे हम ग्राउंड पर खड़े हैं, ठीक है, तो हमारा वेट जो है mg, वो इसके ऊपर काम करेगा ग्राउंड के ऊपर, राइट, नीचे की तरफ में, और ग्राउंड जो है वो भी हमारे बॉडी के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा। दैट अपवर्ड फोर्स इज टर्म्ड एज नॉर्मल रिएक्शन। पहले भी बताया है मैंने फ्रिक्शन बताने के टाइम पर, सो वी विल एक्सपीरियंस अ नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एन। दिस एन हैज टू बी इक्वल टू mg इफ वी आर नॉट falling or going up, right? अगर हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ खड़े हैं
हॉरिजॉन्टली चल सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ अगर हम खड़े हैं तो mg हैज टू बी इक्वल टू m, राइट। अगर चलने के टाइम पर हम ग्राउंड को पुश कर रहे हैं नीचे के डायरेक्शन में, तो ग्राउंड भी हमको ऊपर के डायरेक्शन में पुश करेगा एट एन एंगल। इज दैट ओके? और इनफैक्ट हम लोग जो चल पाते हैं ना, वो इसी की वजह से चल पाते हैं। जब भी हम चलते हैं तो बेसिकली हमारा लेग क्या होता है, लेग जनरली हमारा ऐसे ग्राउंड पर रहता है, राइट। बट जब हम चलने लगते हैं तो इट बिकम्स बेंट लाइक दिस। इफ यू गाइस हैव नोटिस्ड दिस, इज दैट ओके? हेलो हेलो, हमारा पैर एक्चुअली चलने के टाइम पर इस तरीके से बेंट होता है एंड वी फोर्स द ग्राउंड ओवर हियर लाइक दिस, ठीक है? और नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, लाइक दिस, इज दैट ओके? एंड इट इज दिस फोर्स जिसका रिएक्शन हमारे ऊपर फिर से इस डायरेक्शन में लगता है, और इस फोर्स के फॉरवर्ड कंपोनेंट की वजह से हम लोग मूव करते हैं। इज दैट ओके? नॉट ओनली दैट, इसका फॉरवर्ड कंपोनेंट, सॉरी, इसका फॉरवर्ड कंपोनेंट के डायरेक्शन नहीं होता है, इट इज लाइक दिस। द फोर्स एक्ट्स इन दिस डायरेक्शन, इसका नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में आता है, और हमारा जो फ्रिक्शन होता है ना ग्राउंड और फुट के बीच में, ठीक है, वो फ्रिक्शन काम करता है इस डायरेक्शन में, और इस फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हम लोग आगे की तरफ मूव कर पाते हैं। दैट्स द होल लॉजिक, दैट इज हाउ वी एक्सप्लेन द मोशन। बात समझ में आ रही है? हमारा पैर उठता है इस तरीके से लगभग, ठीक है, ये पुश करता है ग्राउंड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्राउंड हमको पुश करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस पुशिंग का एक फ्रिक्शनल कंपोनेंट आता है म्यू के, ठीक है, जो आगे की तरफ काम करता है, और इस फ्रिक्शनल कंपोनेंट की वजह से हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। हेलो, ठीक है। अब एक्शन रिएक्शन पेयर के रिगार्डिंग और कुछ चीजें मुझे बतानी है आप लोगों को। आई जस्ट गिव यू मोर एग्जांपल्स। अच्छा, कभी बोट पर आप लोगों ने ये चीज देखा है क्या? नोटिस किया है बोट पे चले और छोटे बोट पर, एवन आप लोगों में से क्या हो, पानी के अंदर जब ये रहता है, ठीक है, जब सोर के पास आता है एंड यू ट्राई टू जंप फ्रॉम इट, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, हैव यू सीन एवर, जब आप आगे की तरफ जंप करते हो ये पीछे की तरफ चला जाता है सर, बोट पीछे जाती है, पीछे जाती है सर, द बैग ऑफ द बैग गेट्स अप, राइट। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर, इज दैट ओके? वाटर के अंदर स्विमर, स्विमर वाटर को पीछे की तरफ धकेलता है और वाटर उसको फिर आगे की तरफ पुश करता है, जिसकी वजह से वो आगे मूव कर पाता है, ठीक है? यस सर, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अभी नेक्स्ट थिंग जो मैं बता रहा हूं,
नेक्स्ट थिंग जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इट इज एन आउटकम ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, I'll rewrite it. Conservation of momentum इट इज, ये स्टेट क्या करता है पहले ये बता दो. इट सिंपली सेज दैट the total momentum of a system cannot change if no external force is being applied. External force is being applied. ठीक है, सबसे पहली चीज व्हाट डू वी मीन बाय सिस्टम. सिस्टम का मतलब होता है एटलीस्ट टू पार्टिकल्स, टू डिफरेंट बॉडीज. ये बॉडी वन है, ये बॉडी टू है. ठीक है, कम से कम दो बॉडी. वैसे एक बॉडी में सिस्टम बना सकता है ऐसा कुछ नहीं है, बट जनरली हम लोग सिस्टम टू बॉडी से स्टार्ट करते हैं, बॉडी वन एंड बॉडी टू. ठीक है, इन दोनों को मिला करके हमारा बना सिस्टम. नाउ दिस इज, ये जो ड्रॉ कर रहा हूं दिस इज अ इमेजिनरी बाउंड्री जो कि इन दोनों को कंटेन करती है, और ये पूरी चीज को मैं एक सिस्टम बोल रहा हूं. ठीक है, द पॉइंट इज इन दोनों के ऊपर, दोनों को मिला करके अगर मैंने इनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स बाहर से नहीं लगाया है, इफ माई एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ये आपस में मान लो एक इधर की तरफ चल रहा है एक इधर की तरफ चल रहा है और दोनों आकर के एक दूसरे के साथ कोलाइड भी कर जाते हैं. ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर तो कोई अलग से बाहर से फोर्स लगाया नहीं. ठीक है ना, तो इनका मोमेंटम जो है टोटल मोमेंटम वो चेंज नहीं करेगा. अगर ये कोलाइड भी करते हैं तो कोलिजन के बाद, एक दूसरे से कोलाइड करने के बाद इनका मोमेंटम जो रहेगा वो कंजर्व, मतलब एग्जैक्टली सेम रहेगा ऐसा नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि इसका पहले 5 केजी मीटर पर सेकेंड था और इसका 10 केजी मीटर पर सेकेंड था, तो इसका हमेशा 10 केजी मीटर पर सेकेंड ही रहेगा. ठीक है, और इसका हमेशा 5 ही रहेगा. व्हाट इट मींस इज इसका 5 केजी मीटर पर सेकेंड था और इसका 10 केजी मीटर पर सेकेंड था, तो टोटल मोमेंटम क्या हो गया 15 केजी मीटर पर सेकेंड. इज दैट ओके? तो ये सिस्टम का इन दोनों का मिला करके मोमेंटम जो होगा ना वो हमेशा 15 केजी मीटर पर सेकेंड ही रहेगा. ठीक है, कॉलिजन के पहले अगर 15 केजी मीटर पर सेकेंड था तो कॉलिजन के बाद भी 15 केजी मीटर पर सेकेंड ही रहेगा. अब ऐसा जरूर हो सकता है कि कोलाइड करने के बाद, ठीक है, इसका मोमेंटम हो जाए 7 केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इसका मोमेंटम हो जाए 8 केजी मीटर पर सेकेंड. इज दैट ओके? स्टिल दे आर 15 या 7.5 एंड 7.5 भी हो सकता है, नो इश्यूज. एम आई मेकिंग सेंस? एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, दिस फर्दर मीन्स दैट if external force is zero, if no external
फोर्स इज अप्लाइड 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 देन मोमेंटम ऑफ द बॉडी cannot sorry momentum of the system momentum of the system cannot change. Sir, can you show one second the conservation of momentum? देखो Yes, sir, done. अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आता कैसे है, तो यहां पर ये एक्शन रिएक्शन पेयर जो है हमारा ना, जैसे हमने बोला कि एम की वैल्यू एम जी के बराबर रहेगी, राइट? यानी जितना फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स ग्राउंड जो है वो इसके ऊपर लगाएगा, तभी एन इज इक्वल टू एम जी होगा ना। या सिमिलरली जितना फोर्स हम इसके ऊपर हम आगे जंप करते हैं तो ये पीछे की तरफ भागता है, तो हम आगे की तरफ जंप किए तो ये पीछे इस पर पीछे की तरफ फोर्स लगा, हमने हम पर इसने आगे की तरफ फोर्स लगाया तभी हम आगे की तरफ जंप कर पाए ना, तो हमने इस पर किस तरफ किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, पीछे की डायरेक्शन में, तभी ये हम पर आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ना। इज दैट ओके? Yes. बात समझ में आ रही है हम लोगों को? The forces का direction, ठीक है? अब यहां पर हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि ये एक बॉडी है ए, ठीक है, और ये दूसरा बॉडी है बी। अब इसका शेप जैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा बनाते हैं हम लोग क्योंकि ये बनाना ही चाहिए, ठीक है। ये ए जो है वो बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है एफ ए बी, ठीक है, तो बी ए के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, एफ बी ए, ठीक है, और एफ ए बी एंड एफ बी ए में क्या रिलेशनशिप होगा, एफ ए बी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए बाई माइनस, बिकॉज देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट, राइट? एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज इट ओके? यस सर। ये बात समझ में आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब हम लोग इन दोनों की लड़ाई कराते हैं, ठीक है। मान लो ये एक बॉडी है जो आगे की तरफ मूव कर रहा है, बॉडी के आगे की तरफ मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी है इसका u1, ठीक है, और ये बॉडी b है जो इस डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर रहा था,
और इसकी वेलोसिटी है u2, ठीक है। ये दोनों आते हैं, दोनों एक दूसरे से कोलाइड किए, ये आगे की तरफ आ रहा है, कोलाइड किया, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये ए वाला रहेगा और ये बी वाले से मान लो कोलाइड कर गया, ठीक है, बी वाला और ये ए वाला, कॉलिजन के बाद क्या होगा, ए वाला वापस इस डायरेक्शन में आने लगेगा, राइट, और बी वाला वापस इस डायरेक्शन में जाने लगेगा, इज दैट ओके। इसकी स्पीड को हम मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी जो है वो है वी वन, और इसकी मान लेते हैं वी टू, इज दैट ओके। तो फॉर पार्टिकल ए चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फॉर बॉडी ए, बॉडी ए चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू, ये वाला डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं तो ये वाला ऑटोमेटिकली निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चेंज इन मोमेंटम इसका क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये क्या है, फाइनल माइनस एम वी वन माइनस एम यू वन, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, इज दैट ओके। ये बात समझ में आई हम लोगों को या कोई प्रॉब्लम? फॉर बॉडी बी चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा पी ए, चेंज इन मोमेंटम विल बी इसका मूव करने का डायरेक्शन माइनस और ये पॉजिटिव, सो दिस विल बिकम एम वी टू माइनस ऑफ माइनस एम यू टू, इज दैट ओके, और आई कैन राइट इट एज एम वी टू प्लस एम यू टू, is that, is this okay? Delta P भी हम इसको लिख सकते हैं, am I making sense? यहां तक की बात समझ में आई हम लोगों को? Is PB, PB, delta PB, right.
This one is delta PV. Square नहीं लेना है, square क्यों लेना है? Sir, unit two. We will multiply. क्या क्या sorry? Sir, you have written that two. V two plus. अरे ये subscript है one two. इसके वेलोसिटी को v1 बोला है हमने, इसके वेलोसिटी को v2 बोला है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 सॉरी इसकी इनिशियल a की इनिशियल वेलोसिटी u1 है और b की इनिशियल वेलोसिटी u2 है, ठीक है? डेल्टा पीए प्लस एंड ये डेल्टा पी है। अब पॉइंट ये है हमारा कि फोर्सेस जो होते हैं, देखो ये जब कोलाइड कर रहे हैं जितने देर के लिए ये एक साथ कांटेक्ट में है, मान लो ये डेल्टा टी टाइम के लिए दोनों कांटेक्ट में है, तो इसी टाइम पर ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, बाकी तो फोर्स लगाएंगे नहीं, जब दूर चले गए तो फोर्स किस बात का लगाएंगे? इट इज ओनली व्हेन दे आर कोलाइडिंग, जैसे तुम जब पंच मारते हो दीवार पर तभी वो तुमको हर्ट करता है ना, उसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, उसके पहले या बाद में वो तुम पर फोर्स नहीं लगाते रहता है। इज दैट ओके? एम आई मेकिंग सेंस? हेलो हेलो यस सर, ये बात समझ में आई हम लोगों को? यस सर, ओके सर, कैन यू शो दैट विच वन? यस सर, दैट इफ नो एक्सटर्नल, ये वाला नोट कर सर, दैट इज दैट नो एक्सटर्नल वन, हाँ ये वाला सर, बिलो दैट कंजर्वेशन यस सर, दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड यस सर, स्ट्रेट आई हैव टू राइट दैट, सर कैन यू रोल अप? हाँ Yes, I did. Mass of body A is m1. Iska mass kya hai? Mass body B is, ठीक है, ये नोट किया आपने? यस सर, ओके
ओके अभी मैंने बोला फोर्स का एक्सचेंज कितने देर के लिए होगा, जितने टाइम के लिए ये कॉन्टेक्ट में रहेंगे ये दोनों बॉडीज, ठीक है ना। द टू बॉडीज विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर, द टू बॉडीज बॉडीज विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर only when they are in contact, ठीक है। Let these bodies are in contact for delta t time, ठीक है। तो डेल्टा टी टाइम के लिए कांटेक्ट में है, ए का मोमेंटम चेंज जो हुआ वो एक्चुअली बी जो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर उसी की वजह से हो रहा है, यानी बी जो ए के ऊपर फोर्स लगाएगा दैट इज एफ बी ए, ए के ऊपर फोर्स लग रहा है। देखिए ए जो बी के ऊपर लगाया उसको हमने क्या बोला, एफ ए बी, बी जो ए के ऊपर लगाएगा वो क्या है, एफ बी ए, ठीक है। तो एफ बी ए की वैल्यू क्या होगी, ये चेंज इन मोमेंटम दैट इज डेल्टा पी ए बाय डेल्टा टी और एम वी वन, एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इज इट ओके। एंड एफ ए बी क्या हो जाएगा, फोर फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और ये क्या है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, डेल्टा पी बी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी बी क्या है, एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, दे आर रिलेटेड लाइक एफ बी ए विल बी इक्वल टू माइनस एफ ए बी और वाइस वर्सा, और एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, इज इट ओके। यस आई कैन नोट इट डाउन,
हेलो हाँ ठीक है. सो व्हाट वी डिड इज वी स्टार्टेड पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ बी ए एंड एफ ए बी फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू ओवर हियर एंड वी गॉट एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. डेल्टा टी दोनों साइड में कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है एंड you have this expression m2 v2 minus m2 v2 is equal to minus m1 v1 and plus m1 u1. ठीक है, इसको लेफ्ट साइड आप लेकर के आए, इसको राइट साइड लेकर के आए एंड यू हैव दिस अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू विच द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज बिकमिंग इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. ठीक है, is that okay? Hello. Hello. Yes, sir. Okay. Note कर लो. Jumps. From wood from the wood at speed of 5 kilometers. Words. So, okay. F mass of boat is 250 kg.
इत्यादि Is it more physical to us? Hello. Yes, sir. Okay. So, ये who plus why जो है, that will be a system. ठीक है? It is a system. Under that, mega under. Now point is any external force being applied on both of them? No. No external force. Right? What does that mean, Siddhant? Momentum has to be conserved. Right? Okay. Is that okay? A point here is initially what is there? The boy was standing still on a still मतलब बोर्ड भी रुका हुआ है और boy भी इसके ऊपर क्या है रुका ही हुआ है it's not moving is that okay hello तो दोनों की initial speed क्या रहेगी boy and बोर्ड की सर जीरो right so as boy and boat both are standing still therefore their initial speed is therefore their initial speed Zero. But that final momentum क्या है इनके this is one initial momentum दोनों का zero हो जाएगा क्योंकि दोनों की initial speed क्या है zero है M1 U1 plus M2 U2 will be equal to 0 as U1 is equal to U2 is equal to 0 U1 क्या है
We can say that u1 is speed of y, initial speed of y. ये ठीक है और ये क्या है इनिशियल स्पीड ऑफ बोट मोबिलिटी स्पीड इज दैट ओके फाइनल स्पीड क्या है दोनों की लेट अस से v1 इज द फाइनल स्पीड ऑफ बोट And V2 क्या है final speed of boat ठीक है ये कितना है we have found it to be equal to 5 किलोमीटर पर आवर and ये कितना है ये मुझे find करना है is that okay We know that M1 V1 plus M2 V2 is equal to M1 U1 plus M2 U2. This part is equal to 0. ठीक है? तो ये दोनों का सम भी 0 होना चाहिए. M1 क्या है? M1 is mass of boy. M2 क्या है मास ऑफ बोट ठीक है दैट मींस 5 इनटू 50 प्लस 250 इनटू v2 शुड बी इक्वल टू 0 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा v2 इज इक्वल टू ये दोनों को राइट साइड में लाएंगे तो इट विल बिकम 5 इनटू 50 250 राइट या फिर ये करते हैं कि 250 प्लस 50 इज इक्वल टू 0 दैट इंप्लाइज 50 इनटू इज इक्वल टू माइनस 250 That is, V2 is equal to minus 250 by 250. That is minus 1 kilometer per hour. ठीक है? यहाँ पर minus sign क्या represent करता है? कि boy जिस direction में गया, उसके opposite direction में boat जाएगा. Is that okay? ये बात समझा? हेलो